हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद, आप सबके अपने प्यारे चैनल ई एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट किए हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का हमने पहला क्वेश्चन देख लिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख लीजिए या प्ले लिस्ट में। आइए उसे आगे बढ़ने से पहले उसको हम रिकॉल करते कि हम क्या क्या पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी यूनिट डिजिट पर जीरो आ जाए, वन आ जाए, फाइव आ जाए या सिक्स आ जाए, वह स्वयं वही नंबर होती है। क्या वही उसकी यूनिट डिजिट होती है। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, जीरो, इसका एक, इसका पाँच, इसका छः। इसे एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। अगर कोई संख्या दे दे टू थ्री फाइव के पावर वन टू थ्री फाइव सिक्स, अगर इसका कोई यूनिट डिजिट पूछे तो क्या होगा, फाइव होगा। उसी प्रकार कोई दे दे वन टू थ्री फोर टू सिक्स, सिक्स के पावर वन टू थ्री फोर फाइव, तो इसका यूनिट डिजिट सिक्स, क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है, सिक्स है। उसी तरह वन रहेगा तो वन। हम इसी के आगे आज पढ़ेंगे। अब समझ में आ गया, तो अब हमारा जीरो वन फोर हो गया। अब हमारा ये कंडीशन बनता है फोर और एक नाइन का। फोर नाइन का भी ध्यान से देख लेते हैं। फोर नाइन का दो कॉन्सेप्ट बनता है। अगर हमारा सम संख्या रहती है फोर, फोर के अगर ये पावर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम पावर की। अगर पावर पे एक सम होगा एक विषम होगा, क्या होगा, विषम, यानी इवेन और ऑड। अगर इसके पावर सम होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा यूनिट डिजिट सिक्स होगी। अगर अगर सम नहीं रहा तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगी। ध्यान से समझिए, अगर हम इसकी यूनिट डिजिट के अगर हम हमारा अगर सम संख्या होगी, कहने का तात्पर्य अगर सिक्स के पावर टू हुआ तो हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा, सोलह होता, यानी छः होगा। अगर वही हमारी विषम संख्या हो जाए यानी तीन हो जाए, तो आप जानते हैं चार गुड़े चार गुड़े चार, चार चौका सोलह, छः, छः चौका चौबीस, यानी चार होगा। अब बात आते हैं नौ। अगर नौ के पावर अगर हमारी संख्या क्या नाम है, सम संख्या है, सम संख्या, तो उसकी यूनिट डिजिट वन होगी। अब विषम संख्या रहने पे नाइन होगी। आइए इसे ध्यान से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए साथियों ध्यान से देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन लिखा है फाइव थ्री टू फोर, फोर के पावर वन टू फोर सिक्स नाइन, अब आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि हमारा ये यूनिट डिजिट यही है फोर, लेकिन इसके यहाँ पावर में लास्ट में क्या है, नाइन। नाइन क्या है, एक विषम संख्या है। नाइन क्या है, तो हमारा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा फोर। आई होप सबको समझ में आ रहा है। एक दो एग्जाम्पल और देखिए। अगर थ्री टू फाइव फोर नाइन, नाइन के पावर दे दिया वन टू सिक्स फोर थ्री वन, अगर इस तरह की वैल्यू दी है, अगर हमारा देखिए यूनिट डिजिट नाइन है, यहाँ पे पावर लास्ट में क्या है, वन, तो वन क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या आने पर इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, नाइन होगी। इसी तरह एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर दे दिया जाए टू थ्री फोर सिक्स, फोर के पावर वन टू थ्री फोर एट मल्टीप्लाई फाइव सिक्स सेवन नाइन, नाइन के पावर थ्री टू फाइव फोर, यह आपके सामने एग्जांपल दे दिया है। तो हम जानते हैं कि हमारा ये यूनिट डिजिट यहाँ फोर है, इसके पावर एट है। एट क्या है, सम संख्या। जब सम संख्या है तो हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक चार हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ये सम संख्या है, जब सम संख्या रहेगी तो एक हो जाएगी, तो चार गुड़े एक यानी पाँच, चार गुड़े एक यानी चार, हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया, चार हो गया। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि विषम संख्या दिया रहेगा, अगर चार पे कोई यूनिट डिजिट के पावर अगर विषम संख्या है तो उसकी वैल्यू चार आएगी, अगर सम संख्या है तो छः आएगी। अगर नौ का वही कंडीशन नौ में है, नौ में अगर सम संख्या आएगी तो एक होगा, विषम आएगी तो नौ होगा। आइए इसका एक हम ऐसा एक ट्रिक आप लोगों के लिए बता रहे हैं, जिस प्रकार आप सुने होंगे कि जब सारे अस्त्र शस्त्र हमारे खराब हो जाते हैं, हम अगर भूल जाते हैं तो हम क्या करें, उसके लिए एक ऐसा रामबाण ट्रिक लेके आ रहे जो सब पे लागू होगा, सभी पे। आइए उसे भी देखते हैं। देखिए साथियों, अभी हमारा जो पावरफुल है, जो एकदम सबसे बेस्ट तरीका है, किसी भी पावर में चार से भाग करने पर प्राप्त शेषफल
शेषफल यूनिट डिजिट के पावर लग जाता है, लग जाता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि हमने क्या लिखा, किसी भी पावर के चार से भाग करने पर प्राप्त शेषफल यूनिट डिजिट प्राप्त हो जाता है, कोई भी संख्या हो। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 3, 2, 4, 7, 7 की पावर 28, 5। अभी हम 27 ले लेते हैं या 26 ले लेते हैं। अब हमारा यही है, अगर कोई पूछ दे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है साथियों, इसी को चार से हम भाग देंगे। जब चार से भाग देंगे तो 4×6=24, हमारा 2 शेष बचा। अब 7 की पावर 2 यानी 7×7, 7×7=49, यानी यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 9। तो एक एग्जांपल और देखिए, तब समझ में और क्लियर हो जाएगा। अगर हम कोई संख्या लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 3, 3 के पावर अगर हमारा हो जाता है 2, 5, इतनी बड़ी वैल्यू हो गई, तो हमें कुछ नहीं करना, इस पहले अंक को छोड़ के लास्ट के 2 डिजिट भाग देंगे। 4 × 3=12, बचा कितना, 3। तो ये 3 की पावर हम 3 कर देंगे, यानी 3×3×3, 3×3=9, 3×27, यानी यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन यह होती है, अगर हमारा कोई मान लीजिए संख्या दी गया 2, 5, 6, 7, 8 के पावर अगर दे दिया जाए 16, अब हम इसे 4 से काट देते हैं, जब 4 से काटेंगे तो 4×16 यानी हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 0। तो इस कंडीशन में हम 8 की पावर 0 नहीं लिखते हैं, ध्यान रहे, जब शेष पूरा कट जाएगा तो 0 न लिखे हम उसी के पावर 4 कर देंगे, यानी 8×8×8×8, 8×8=64, 64 के भी हम 4 लेंगे। अब इस 4 का फिर करेंगे 8×6=32, 32 में हम 2 लेंगे, 2×8=16, यानी 6 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। आइए, यह हमारा जो तरीका था, इस बेस पे हम कुछ सवाल और कुछ ट्रिक के माध्यम से सवाल देखते हैं, इसे नोट करना है तो नोट कर। आइए साथियों, आपके सामने हम 2 एग्जांपल लेके आए, उसे ध्यान से देखिए। पहला दिया है 9×3=5, 9×6=35। तो आप इस तरह के जब सवाल दे तो आपको हमेशा अपने कॉन्सेप्ट, अपने माइंड को स्थिर करके ध्यान समझना चाहिए कि लास्ट में 5 है तो इसका यूनिट डिजिट तो 5 होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 आ गया, 4 आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि पावर सम है कि विषम। अब देखने में आपको लग रहा है क्या, सम है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 6 होगी। हमने बताया था जब सम होगी तो 6 होगी, अगर विषम होगी तो 4 होगी। उसी प्रकार यहाँ 9 है, 9 की पावर कितना है आपका, विषम है तो यह हमारी क्या होगी, 9 होगी। अब इसी को गुणा कर देना, 5×6=30, अब 30 है तो जानते 0×9 में गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी हमारी होगी, 0 होगी। यह पहला तरीका है, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यह देखिए यहाँ पे 7 है तो हमारा अब एक तरीका हमने बताया था, किसी भी संख्या में हमें क्या करते हैं, 4 से भाग दे देंगे, 4×4=12, 4×1=4, अभी हमारा बच्चा कितना, 1, यानी 7 की पावर 1 हो जाएगा, गुड़े। यह 6 है, अब 6 की पावर कुछ भी वैल्यू रहे, पावर हमेशा 6 ही होता है, प्लस अब 9 है, 9 की पावर क्या है, एक सम संख्या है, तो सम संख्या आते ही हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, तो 1 लिख दीजिए, तो 7×42, 42 के हमारा यूनिट डिजिट 2, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, इसे नोट डाउन करिए, एक आध क्वेश्चन और बताते हैं। आइए साथियों, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझते हैं, पहले फैक्टोरियल होता क्या उसे समझिए। फैक्टोरियल को या तो इस तरह लिखते हैं, या तो फैक्टोरियल को एक आई के रूप में लिखते हैं, एपेस्ट्रॉफी साइन करके लिखते हैं। तो इसे कैसे समझिए, इसकी वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल अगर 2 की बात करें तो होती है 1×2, फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 1×2×3, फैक्टोरियल 4 की बात करें तो 1×2×3×4, अगर फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 1×2×3×4×5। अब देखिए 1 की वैल्यू अगर हम यहाँ फैक्टोरियल 1 की बात करें तो इसका मान 1, लेकिन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4, क्यों, यूनिट डिजिट की केवल बात कर रहे हैं, 4×8, 8×2=6, 6×6=24, 24×4, 4×12=24, हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 4। लेकिन जो ही फैक्टोरियल 5 की बात करती हैं, हमें एक वर्ड यहाँ दिखाई दिया 2, यानी 5×2 होते ही 0।
उसी तरह जब सिक्स का करेंगे तो फाइव के बाद सिक्स लग जाएगा, सेवन लगेगा, एट, उसके ऊपर जितने भी ज्ञात करेंगे उसमें टू और फाइव आएगा। तो हमें यहाँ एक निष्कर्ष निकल गया साथियों कि फैक्टोरियल फोर से अधिक, कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू का यूनिट डिजिट जीरो होता है। कैसे? अगर इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, अगर हम कोई वैल्यू लिख लेते हैं फैक्टोरियल टू थ्री, जैसे फैक्टोरियल की मान लिखते हैं 5, 6, 7, 8 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। उसी तरह अगर कोई लिख दे 4, 7, 3 फैक्टोरियल, इसका भी मान जीरो। केवल एक चीज़ याद रखना, अगर कोई पूछ दे फैक्टोरियल टू की वैल्यू, तो टू की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1। आइए इस बेस पे हम एक दो सवाल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आपके सामने हमने क्वेश्चन 2 लिखे हैं, साथियों ध्यान से देखिए। अब देखिए फैक्टोरियल 2, हमने बताया था कि फैक्टोरियल जब 2 की वैल्यू करेंगे तो 2 होगा, प्लस फैक्टोरियल 3 की बात करेंगे तो हमारा 6 होगा, 4 की बात करेंगे 4, 5 की बात करेंगे 0, इसके बाद सब 0, 0। अब इसी को हम जोड़ देंगे, 6, 4, 10, 2, 12, फिर भी इसमें हमें क्या लिखना है, यूनिट डिजिट, तो हमारा कितना हो जाएगा 2। अब उसी तरह देखिए फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 या मल्टीप्लाई में है तो इसी के आगे एक होगा फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 आते ही मतलब ये 0 इधर की सारी वैल्यू को क्या कर देगा, 0, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 0। तो आई होप सभी लोगों को यूनिट डिजिट का यह क्लास समझ में आ गया। अगर इसमें आप लोगों को लगता है कि नहीं और क्वेश्चन कराना चाहिए या प्रैक्टिस कराना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ आगे के टॉपिक, और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को इस ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।